Hello learners, welcome to Parishram classes and today we will discuss about this chapter plant development. ये आपकी class 12th का political science का chapter है. तो basically ये chapter आपका बहुत important है क्योंकि इसमें हम लोग development के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से after independence जो development है वो step by step जो है वो बढ़ती चली गई. अगर हम लोग बात करें कि अगर हम globally जो demand थी जो एक तरह से जो इंक्रीज हो रही थी वो ओडिशा के लिए इंक्रीज हो रही थी क्योंकि ओडिशा में आयरन और बहुत ज्यादा थे तो लोग जो है इसके जो डिमांड बहुत ज्यादा कर रही थी. इनफैक्ट सारी कंट्रीज इसके डिमांड कर रही थी. अब एक ये चैलेंज आ गया था कि किस तरीके से आयरन और को पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से एज में ट्रेड के अकॉर्डिंग उसको भेजा जाए. अब हमें पता है कि ओडिशा में जो ज्यादातर जो लोग थे वो अपने अपनी जगह पर रहते थे लेकिन इतना आसान तो नहीं था ना कि लोगों को ये कहा जाए कि भाई यहाँ पे आयरन ओर की डिमांड बढ़ रही है तो एक काम करो आप ये प्लेस खाली करो और आप दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाओ. तो ये प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के लिए तो वो डेवलपमेंट था लेकिन जो वहाँ के जो लोग रह रहे थे उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं था. द गवर्नमेंट जो थी वो बिलीव कर रही थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ लोट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपर्चुनिटी. अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम आयरन ओर बढ़ाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी. जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी लेकिन वो डर रही थी साथ साथ. क्यों डर रही थी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होने वाला था उनकी उन लोगों को वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट करने की बात कही गई थी तो वो एक तरह से इस चीज के लिए वो बहुत डर रहे थे. होम एंड लाइवलीहुड मतलब कि अब उनको अपना घर जो है वो कहीं और जाकर शिफ्ट करना पड़ेगा तो इस वजह से वो लोग बहुत डरे हुए थे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए डर रही थी अगर इंडस्ट्रीज नॉट अलाउड. आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा रीजन था डरने का. सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया वहां पर सेटअप होने में तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो पाएगा. तो ये था दोनों की तरफ से जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था. इसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन जो पॉलिटिकल का जो टॉपिक है इसमें बताया हुआ है. अब ये क्या है, दीज क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय द एक्सपर्ट. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर्स नहीं किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा भी. द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अदर प्रेजेंट जनरेशन एंड अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन. अब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो लिए तो जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है वो प्रेजेंट जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन के लिए ठीक होते हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए अगेंस्ट हो जाते हैं. मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि जो माइनिंग है माइनिंग के लिए क्या था, अब ठीक है भाई माइनिंग वहां करना चाहते थे तो वहां पर सारी जगह जो है वो खाली कराई जाएगी लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ वहां का जो एनवायरमेंट है वो भी इस चीज के फेवर में नहीं होगा क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पेड़ों को काटना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस अवर कंट्री हैड टू मेक अ सीरियस मेजर डिसीजन. अब जो डिपेंडेंस के बाद जो है वो कंट्री के पास एक सीरियस मेजर वो डिसीजन के लेने के लिए प्रॉब्लम आ गई थी कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें. एवरीवन एग्री दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मींस बिकम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस. अब ऑलमोस्ट जो थे वो सारे लोग एग्री हो गए थे कि हाँ भाई अगर हम लोगों को सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हम लोगों को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, चाहे उस डेवलपमेंट के लिए हम लोगों के साथ नेगोशिएट करें, जहाँ जो वहाँ के जो रीजनल पीपल्स है उनके साथ हम लोगों को कुछ जजमेंट करना पड़े. तो ये सब चीज़ें हैं इसमें बताया हुआ था. अगर जब ये अब इस तरह की जब हम बात आती है सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की तो साथ में सेंटर मतलब एक तरह से सबके ऐसे आंसर लिए जाते हैं या फिर इस तरीके का सॉल्यूशन लिया जाता है जो सबके लिए बेनिफिट हो. वॉज इट नेसेसरी हैव टू सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन टू प्लान टू इंटायर कंट्री. मतलब क्या जरूरी था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए है. गवर्नमेंट जो काम करेगी वो इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए काम करेगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो लोगों के दिमाग में आए. That's why we need to study through process of development. इस वजह से अभी इतने सारे जैसे हमने ओडिशा का एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल हमने सिर्फ एक देखा है ओडिशा का लेकिन इस तरीके की बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जिसमें ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ी थी कि जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे बट उन रिसोर्सेज को अगर गवर्नमेंट को यूज करना है तो वहाँ के लोगों के साथ उनको काम करना पड़ेगा, उनको उस चीज के लिए जजमेंट लेनी पड़ेगी कि कैसे करना है क्या करना है, नेगोशिएट करना पड़ेगा. इसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट.
अब डेवलपमेंट का आइडिया कहाँ से आया? अब हमने देखा कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थे हम लोग अच्छे से बिल्कुल खुश थे कि भाई अब चलो हमें डिपेंडेंट मिल गई, अब तो बहुत अच्छा है, तो लेकिन अब एक हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए थी कि अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो किस बेसिस पे करें। अब जैसे इसमें देखा आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ ओडिशा सो दैट द नोट इनफ टू से एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट। अब हमने ये देखा कि ओडिशा के एग्जाम्पल में कि ये इनफ नहीं था कि हम सबके बारे में डेवलपमेंट जो सिर्फ एक तरीके के बारे से सोचा जाए। डेवलपमेंट हैज अ डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल, जैसे हमने बताया भी है ना, सबके लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है। अब मेरे लिए डेवलपमेंट है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखो, आप लोग पसंद करो, आप लोग के लिए डेवलपमेंट है आप लोग अपना जो भी आपका एम है, चाहे वो आप किसी प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे क्लास 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपका डेवलपमेंट है। तो सबके नजरों में जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। तो ये बताया हुआ है डेवलपमेंट गुड मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑफ एग्जाम्पल, जो डेवलपमेंट की मीनिंग है वो अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज प्लानिंग टू सेट अप स्टील डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रियलिस्ट का दिमाग में क्या था डेवलपमेंट की, भाई हमें यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री बनानी है, कहाँ पे, ओडिशा में। तो ये जो डेवलपमेंट की मीनिंग थी वो अलग अलग है। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो डेवलपमेंट वॉज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न से डेवलपमेंट का इसमें कनेक्ट होता है। मतलब मॉडर्न का मतलब होता है इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से मॉडर्न बनेगी, कैसे हम वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो डेवलपमेंट है उसको कैसे हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये इसमें डेवलपमेंट का मतलब है। मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड द आइडिया ऑफ ग्रोथ मटेरियल फोर्सेस एंड साइंटिफिक। तो ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो मॉडर्नाइजेशन से कनेक्ट है, और जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होंगे, वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, लोगों चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो किस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। अब इसमें इंडिया के पास दो मॉडल का ऑप्शन आया, इंडिया हैज टू मॉडल ऑप्शंस, सोशलिस्ट डेवलपमेंट एंड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। अब ये दो ऑप्शन थे। अब सोशलिस्ट डेवलपमेंट जो था वो किससे रिलेटेड था, वो था यूएसएसआर से रिलेटेड, एंड जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट था वो था यूएस से रिलेटेड। अब आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट क्या होता है। देखो, जो सोशलिस्ट होता है वो समाज से रिलेटेड होता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट की चीजें की जाएगी वो लोगों से कनेक्ट करके की जाएगी, क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, किसके वेलफेयर के लिए हो रहा है, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए की जाएगी सोशलिस्ट डेवलपमेंट में। लेकिन जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है वो ज्यादातर उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप प्राइवेट के हाथ में दे दो, वो अपने आप डेवलपमेंट करेंगे। सब चीजें क्या होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट होनी चाहिए, यानी पैसों से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये दो तरह के डेवलपमेंट थे जो आपका यूएसएसआर और यूएस में चलता था। तो बेसिकली जो इंडिया है उसे उम्मीद की जा रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कि आप दोनों में से एक के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, या तो आप यूएसएसआर को अडॉप्ट कर लो, ये आप किसको करो, या आप करो यूएस को। सोशलिस्ट पार्टी एंड लीडर्स लाइक नेहरू, मतलब बहुत सारे लीडर्स थे, नेहरू और इसके अलावा जो अदर लीडर्स थे वो क्या चाहते थे, वो पर्सनली सोशलिस्ट डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। देर वर अ फ्यू सपोर्टर्स और अमेरिकन स्टाइल, मतलब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था ना, जो एक तरह से डेवलपमेंट का, वो सिर्फ कुछ ही लोग उसको अडॉप्ट करते थे, बाकी कोई नहीं करता था। तो ये बताया हुआ है इसमें कि अगर जैसे सोशलिस्ट था और कैपिटलिस्ट था, कुछ लोग सोशलिस्ट को अडॉप्ट करना चाहते थे और कुछ लोग कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट करना। मैंने अब तक यहाँ पे ये नहीं बताया आपको कि इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया ने इसमें से कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया था। इसके बाद अब हमारे पास एक आया प्लानिंग, प्लानिंग की हमने, जैसे आप देखते हो ना, आप एग्जाम्स आते हो तो एग्जाम से पहले कुछ प्लान करते हो कि कैसे हम लोगों को स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद हम लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, तो दैट इज योर प्लानिंग। तो इसी तरीके से प्लानिंग जो है वो इंडिया ने की थी। अब इंडिया को जो प्रोसेस कर प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है, तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा, तो इसमें बताया हुआ है, इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ अर्न द गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट, मतलब ऐसी प्लानिंग करना जो लोगों के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करे, जैसे पब्लिक सपोर्ट यानी लोगों का उस चीज को सपोर्ट मिल सके और लोगों के फेवर में हो वो, तो इस तरीके की प्लानिंग के बारे में बात की गई थी नेहरू जी ने। आप लोग देख रहे हो ना, ये नेहरू जी की फोटो है ये। अब प्लानिंग के लिए क्वेश्चन उठा कि प्लानिंग में क्या करना है भाई। ये देखो, इंडस्ट्रीज एंड बिग बिजनेस जो था वो स्टार्ट किया गया आइडियाज ऑफ प्लानिंग में, कि किस तरीके से हम लोग
प्लानिंग करेंगे 1944 में। अब एकदम से ये नहीं हुआ कि भाई चलो प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कर दो। प्लानिंग कमीशन स्टार्ट करने से पहले इसका आइडिया जो था वो फॉर्म हो चुका था बिफोर इंडिपेंडेंस। 1944 में जॉइंट प्रपोजल रखा गया था कि एक इस तरीके की हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे जो हमारी कंट्री में जितनी भी चीजें हैं उसको सिस्टमेटिक चला सके। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा है, जब आप लोग अगर मान लो आप स्कूल में हैं तो स्कूल में पहले क्या बनता है, ईयरली प्लानर बन जाता है। इसी तरीके से जो ईयरली प्लानर है, इसी तरीके से इसमें कहा गया था कि अगर हमें प्लानिंग करनी पहले से हम लोग करके रखेंगे तो हम लोगों को डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस टाइम पे 1944 में ड्राफ्टेड तो जॉइंट प्रपोजल, एक जॉइंट प्रपोजल रखा गया था प्लान इकोनॉमिक का, तो उसको क्या नाम दिया गया था, बॉम्बे प्लान। ये आपको याद रखना है, बॉम्बे प्लान इसी का ही नाम था, जिसमें एक पहले से ही 1944 में एक जॉइंट प्रपोजल रखा गया था प्लानिंग प्लान इकोनॉमिक का, तो उसको कहा गया था बॉम्बे प्लान। और इसके जो चेयरपर्सन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। आपको ने नाम मोदी जी बोलना है या जवाहरलाल नेहरू बोल रहे, आपका सिंपल है, इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो थे आपके चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर वॉज द इट्स चेयरपर्सन। चलिए अब हमने भाई ये देख लिया कि किस तरीके से 5 ईयर प्लान के बारे में बात हो रही है। तो 5 ईयर प्लान जो थे, अब उसको पहले स्टार्ट करने से पहले 2 तरीके के प्रपोजल आए। इसमें था बजट जो था वो स्टार्ट किया गया, एक इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो था नॉन प्लान बजट और एक था प्लान बजट। देखो प्लानिंग, अगर मान लो हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाने से पहले हम लोग कुछ चीजें हम लोग नोट डाउन करके लेकर जाते हैं, दैट इज प्लान डेवलपमेंट, मतलब प्लान बजट कि हम लोग जाएंगे और हम लोगों को ये चीजें खरीद के लानी है, वो प्लान बजट है। अब हमें कुछ और चीज पसंद आ जाती है जो उसमें थी भी नहीं, जो लिस्ट में नहीं थी, तो वो क्या होता है, अनप्लान बजट होता है। मतलब जिसको हम लोगों ने नॉन प्लान बजट, यानी जिसको हम लोगों ने बजट में काउंट नहीं किया था पर वो इन केस एमरजेंसी में हम लोगों को वो चीज यूज करनी पड़ी, तो वो होता है नॉन प्लान बजट। प्लान बजट दैट इज अ स्पेंड ऑन 5 ईयर्स बेसिक पर, मतलब प्रायोरिटीज रखी जाएगी कि भाई हम लोग पहले की है इन 5 साल में हम सिर्फ इस चीज पर ध्यान देंगे, ये होता है प्लान बजट। मतलब पहले ये तो फिक्स है कि भाई इन चीजों पर तो हमें ध्यान देना है, लेकिन इन केस कुछ इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो उसको टैकल करने के लिए हम लोगों को जो बजट यूज करना है या जो प्लानिंग यूज करनी है, दैट इज नॉन प्लान बजट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1951। एक तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये देखो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो था आपका 1951 से लेकर 56 तक, ना कि नेक्स्ट है 56 से लेकर 61 तक, फिर 61 से लेकर फिर 66 तक, एंड देन 66 से लेकर आपका 2 ईयर्स का आप लोगों का गैप था, जिसको हम लोग एक हॉलीडे बोल सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी इसमें। तो जो नेक्स्ट जो था वो आपका 69 से लेकर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से जो था ये प्लान स्टार्ट हुआ था। तो इसमें बताया हुआ है आपका जो जैसे देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1951। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, पॉलिटिशियन सबको इन्वॉल्व किया गया था। एंड जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये स्टार्ट हुआ था 1956 से 61 तक, और थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से, और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1966 में स्टार्ट होना था, बट हमने 2 साल का उसमें प्लान हॉलीडे डाल दिया और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था 1969 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने पढ़ा दिसंबर 1951, तो ये था 1951 to 56। अब इसको क्या बोला जाता था, इस जो टाइम पीरियड को बोला जाता था साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीब उस टाइम पे ज्यादा थे क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीजें की वजह से हम लोगों ने क्या कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर को हम लोग इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो इसमें जो थे जो स्टार्ट किया था ये एक यंगेस्ट इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था के एन राजे, मनमास में क्वेश्चन आ सकता है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट किया था वो किया था के एन राज ने।
अब के एन राज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया डैम्स एंड इरिगेशन पर, कि हम लोग डैम्स एंड इरिगेशन पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द हार्डेस्ट बाय पार्टीशन। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हार्डेस्ट माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करते थे। एंड उसी टाइम पे जो लार्ज स्केल पे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो था आपका भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम जो था वो लार्ज स्केल पर इसको स्टार्ट किया गया, और पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया मतलब जिसका जो लैंड है वो उसको दिया जाए ताकि वो उस पर काम कर सके, उससे ग्रोथ कर सके। और साथ साथ इसमें किस पे ध्यान दिया गया था, लैंड रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया गया था। तो आपको इसमें ये याद रखना है, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम किया गया था, दूसरा इसके अंदर क्या हुआ था, भाखरा नांगल डैम पर ध्यान दिया गया था, इसके पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। इसमें इन्वेस्टमेंट किस पे की गई थी, इन्वेस्टमेंट की गई थी डैम्स एंड इरिगेशन पर, ठीक है, भाखरा नांगल डैम पे लैंड डैम रिफॉर्म्स के बारे में ध्यान दिया गया था। और जो बेसिक एम था वो इसका यही था कि नेशनल इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। तो ये था आपका फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो यही था। अच्छा, ये प्लान जो था ये आपका बहुत स्लो प्लान भी माना जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि इसमें हम लोगों को जो काम करना है, जैसे कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखने चाहिए, तो इसी तरीके से इसमें जो काम करना था वो स्टेप बाय स्टेप काम करना था। इसमें ये कहा गया था भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम करो, अपना टाइम लो काम करने के लिए। तो ये था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बारे में। सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1956 में, और इसके जो हेड थे वो थे पीसी महालनोबिस। ये आपको याद रखना है, महालनोबिस जो थे वो इसके सेकेंड फाइव ईयर प्लान के हेड थे। और इसमें क्या किया था, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। यानी इसमें ये कहा गया था कि अब हम लोगों को समाज के बारे में पूरा ध्यान देना होगा, और अब हमें धीरे धीरे काम करने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोगों को थोड़ा सा तेजी लानी पड़ेगी काम में। और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की बात कही थी। हमने कहा था ना फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में किस में ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया था, एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन, इन सब पर आपको इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होना। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, अब अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे बाहर की कंट्री से तो फॉरेन एक्सचेंज अपने आप बढ़ेगा। एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद था द थर्ड फाइव ईयर प्लान इज नॉट सफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड। अब जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था ना उसको कहा गया कि भाई ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है ये ज्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में, क्योंकि ये क्या था बेसिकली ये प्लान था अर्बन बायस का मतलब है इसमें रूरल एरियाज के बारे में बात नहीं कही गई थी। इसमें ये कहा तो गया था कि भाई अब हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर ध्यान देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, ये लोग इंडस्ट्रीज पर ही ध्यान देते थे ज्यादा। तो इसको अर्बन बायस का नाम दिया गया कि इसमें क्या है, अर्बन बायस है ये, यानी अर्बन पीपल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके इंप्रूवमेंट के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब है इसके ऊपर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई। अब अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो कंट्रोवर्सीज में कुछ चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजों के बेसिकली किस चीज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट एंड एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। देखो, वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन द बिग क्वेश्चन। अब हम ये जो बड़ा क्वेश्चन है इस पे हमने पहले भी ध्यान दिया गया था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब कुछ लोग तो जो गांव में जो लोग रहते थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, यानी एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और कुछ लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज पे ध्यान देने की बात कहते थे। अब इसमें बताया हुआ है एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया आर्स ऑफ टू सफर, मतलब गांधीयन इकोनॉमिक्स से जे सी कुमारगप्पा। तो ये जो थे कुमारप्पा, ये कहते थे कि अगर आपको पूरा डेवलपमेंट करना है, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट करना है, तो आप लोगों को एग्रीकल्चर पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं, तभी हम लोग आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो इन्होंने कहा, जेसी कुमारप्पा ने प्रपोज की, कहा कि आप, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है
तो हम लोगों को किस पे ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर। इसी तरीके से एक और थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने भी एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की बात कही। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा कि अगर डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को किस पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पर। तो आपको ये याद रखना है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की जब बात कही गई थी तो एग्रीकल्चर में जेसी कुमारप्पा और चौधरी चरण सिंह दोनों ने फेवर किया था एग्रीकल्चर को। ये देखो, ये है जेसी कुमारप्पा। कई बार आपको ये इमेज देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने किसको फेवर किया था, इन्होंने किया था एग्रीकल्चर को फेवर। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो एग्रीकल्चर के से ना मानकर जो कहते थे कि हम लोगों को अगर अपने आप को बूस्ट करना है तो हम लोगों को किस पे ध्यान देना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पर। बस इसमें कोई नाम जो था वो स्पेसिफाई नहीं किया कि इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने की किसने बात कही थी। तो बस आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर के लिए किसने कहा था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा गया कि इंडस्ट्रीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम लोग अपने आप को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें बताया हुआ है, इसके अलावा प्रोडक्शन के बारे में, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, दे आर्ग्यूड द इंडियन प्लानिंग डिड हैव द एग्रीएंस स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड। मतलब ये बताया गया था कि एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग फूड ग्रेन को बढ़ा सकते हैं। अब जो बेसिक नीड है उसमें क्या आता है, आपका फूड ही तो आता है, इंडस्ट्री थोड़ी ना आती है। तो पहले जो फर्स्ट जो बेसिक नीड है वो आपका खाना है, ठीक है। अब ये बताया हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम लोगों को नहीं, हमें इंडस्ट्रीज पर ध्यान देगा तभी हम लोग अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आता है, जो आपकी कॉन्ट्रोवर्सी आती है, वो आती है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ये देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आती है। अब देखो, इंडिया ने, मैंने जैसे आपको बताया, इंडिया ने के पास दो मॉडल थे, सोशलिस्ट मॉडल एंड कैपिटलिस्ट मॉडल। उनके पास दो ऑप्शन थे कि आपको इनमें से जो लेना है आप लोग, लेकिन इंडिया ने किसी को भी नहीं फेवर किया। इंडिया ने जो फेवर किया वो किया मिक्स इकोनॉमी को, कि भाई ना हम लोगों को सोशलिस्ट की तरफ जाना है ना हमें कैपिटलिस्ट की तरफ जाना है। हम लोग जो फेवर करेंगे वो हम लोग करेंगे मिक्स इकोनॉमी को। मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर इन प्राइवेट हैंड। उनका कहना था कि हम कुछ हद तक तो ये कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, वो हम प्राइवेट हैंड में दे दें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को ही बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट उसी को ही देनी पड़ेगी। द मिक्स्ड मॉडल लाइक द ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड बोथ द लेफ्ट एंड राइट। लेकिन जो ये मिक्स इकोनॉमी थी, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, दोनों ने क्रिटिसाइज किया, लेफ्ट ने भी एंड राइट ने भी। लेफ्ट एंड राइट का मतलब होता है लेफ्ट फ्रंट, जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीपल थे, उनको लेफ्ट फ्रंट कहा जाता था, और जो राइट फ्रंट था वो बिजनेसमैन को कहा जाता था। तो मिक्स इकोनॉमी को जो क्रिटिसाइज किया वो दोनों ने किया, लेफ्ट ने भी किया एंड राइट ने भी किया। अब ये इसमें बताया हुआ है, द पॉलिसीज जो थी वो स्ट्रिक्टली कहा गया कि भाई अब जो डोमेस्टिक, अगर हम लोगों को कॉम्पिटिशन में रहना है, अगर हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम कॉम्पिटिशन में कैसे रहेंगे। तो ये बताया गया था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करके, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके कुछ हद तक हम लोग बढ़ा सकते हैं अपनी, अब जो अपना ट्रेडिंग है वो बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी अपनी कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद इसमें है, दे पॉइंटेड आउट द स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है इसमें गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा पैसे जो है वो पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ पे नहीं करती, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ चीजें हम लोगों को प्राइवेट, अब आप देख रहे हो ना, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, भाई जिसको जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में भेजो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट में भेजो, क्योंकि आज गवर्नमेंट स्कूल की भी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। द स्टेट हैड टू प्राइवेट सेक्टर टू मेक प्रॉफिट। जो ये स्टेट के लिए, यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में करेंगे ना सारी चीजें, हम प्राइवेट को दे देंगे, तो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, वो लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगी। तो इन्होंने कहा है कि हम लोगों को दोनों को प्रिविलेज देनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। तो इन्होंने ये बात कही थी। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा मेजर आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं, अगर कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है, दैट इज आउटकम्स। तो फर्स्ट थ्री चैप्टर अगर हम जो इसमें देखें, इंडिपेंडेंट में यही बताया गया है, इसका आउटकम्स क्या है। एक तो लैंड रिफॉर्म्स पर,
ध्यान दिया जाए कि लैंड का रिफॉर्म किया जाए. लैंड रिफॉर्म्स कैसे होगा, जब मॉडर्नाइजेशन आएगा, जब एग्रीकल्चर में हम लोग अलग अलग चीजों का यूज करेंगे. जैसे पहले हल से होती थी खेती, उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर आए. तो इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम लोगों को अपने आप ग्रोथ के चांसेस हो जाएंगे. पॉलिटिकल रिमेन इन हैंड इन लैंड ओनिंग क्लासेस, मतलब जो पॉलिटिकल पावर है वो सबके हाथ, मतलब उसके जो लैंड ओनिंग जो हाथ है वो किसी फ्यू क्लासेस को नहीं देने हैं, मतलब किसी एक के हाथ में सारी पावर ना देके पावर को डिवाइड किया जाए. जो बिग इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू करने के लिए कहा गया. पॉवर्टी को, पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच, मतलब जिससे पॉवर्टी जो है वो ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रही है. अब इनका गोल क्या था कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और किस तरीके से अब जो ये आउटकम्स हमारे पास आए, मतलब हमने जो ईयर प्लान बनाया इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. अब हमें जैसे ये पता है कि 12 फाइव ईयर्स प्लान आए थे, और 12 फाइव ईयर प्लान के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टार्ट हो गया था. ये आपको याद रखना है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हो गया था, और उससे पहले 12 फाइव ईयर्स प्लान चले थे. और उन फाइव ईयर प्लान को उसके बाद अबॉलिश करके ये कहा गया कि अब हम इसका नाम जो है वो चेंज कर रहे हैं, और कुछ आइडियोलॉजी चेंज कर रहे हैं. हम अब 5 साल के लिए कोई चीजें नहीं रखेंगे, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे. तो इसके बाद था अब इसमें फाउंडेशंस. अब इसके अंदर बताया हुआ है सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री टू अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब इसमें क्या क्या बहुत सारे लार्जेस्ट डेवलपमेंट थे जो इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ, यानी जब ये फाइव ईयर्स प्लान थे तो इसी पीरियड में बहुत सारे जो लार्जेस्ट डेवलपमेंट थे वो किए गए. जैसे सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज बनाई गई पब्लिक सेक्टर में, जो बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज बनाई गई, लाइक आपकी डिफेंस प्रोडक्शन, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज बनाई गई. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव किया गया. इसके बाद है लैंड को रिफॉर्म्स किया गया. लैंड रिफॉर्म्स का मतलब लैंड जो है उसको सुधारा गया. लैंड को कैसे सुधारा गया, मीन्स एग्रीकल्चर पर ध्यान देके इस तरीके की डेवलपमेंट करके एग्रीयल सेक्टर पर काम किया. कॉलोनियल सिस्टम जो था वो जमींदार, देखो सबसे बड़ी जो लैंड की प्रॉब्लम थी वो थी जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना. तो क्योंकि जमींदारी सिस्टम जो था वो ब्रिटिशर के टाइम से ही चलता आ रहा था, तो इसमें कहा गया था जो कॉलोनियल सिस्टम था जमींदारी सिस्टम उसको किस तरीके से अबॉलिश किया जाएगा. एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर इट ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी एंड लैंड लॉर्ड्स ऑफ डोमिनेटिंग पॉलिसी. अब लैंड लॉर्ड्स क्या करते थे, अब एग्रीकल्चर पे अपने अकॉर्डिंग काम करवाते थे. जो किसान थे उनको कुछ फायदा नहीं होता था, जो सारा फायदा होता था वो जमींदारों को होता था. तो उन्होंने इसको कहा गया कि इसको हम लोग, अगर हम लोग इसको कम करवा देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रूवमेंट होगी. जो लोग जो फार्मर्स हैं जो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे. तो इसमें बताए हुए हैं ये दो कंपोनेंट्स थे लैंड रिफॉर्म्स के. एक क्या था, एक तो सेलिंग हाउ द मच एग्रीकल्चर लैंड, लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से काम करना है. जो टीनेंट्स थे, जो मतलब काम करते थे एक तरह से लैंड पर काम करते थे, वो उस चीज के लिए जागरूक हो जाए किस तरीके से काम करना है इसके बारे में. तो ये बताया हुआ था आपका इस टॉपिक के बारे में. अब इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. अब हमें पता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बेसिकली, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो किसके लिए स्टार्ट किया गया था, वो बेसिकली आपका टी, व्हीट एंड राइस के लिए स्टार्ट किया गया था. आप ज्यादा डिपेंडेंट ऑफ फूड एड मेनली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, जैसे यूनाइटेड स्टेट था ना, इसी तरीके से ये कहा गया कि अब हम लोगों को भी इंडिपेंडेंट होना है अपने फूड के लिए. ये नहीं है कि भाई हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें वीट की रिक्वायरमेंट है तो चलो किसी दूसरे कंट्री से मांगते हैं. तो इसके लिए क्या किया, कुछ पॉलिसीज एंड प्लानिंग स्टार्ट की गई. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक प्लानिंग स्टार्ट की गई थी. तो इसको कहा गया द सपोर्ट ऑफ एरिया फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को थोड़ा सा एक तरह से बैकबोन के लिए की तरह से साबित हुआ उस टाइम पे. प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए शॉर्ट टर्म भी, अब कैसे इंक्रीज होगी प्रोडक्शन, कुछ इस तरीके की चीजें की जाए, जैसे लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ ऐसी चीजें की जाए जो लोगों को इम्प्रूवमेंट कर सके. ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए स्टार्ट किया गया था. वीट और प्रोडक्शन को और राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था. और जो ये मेन जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये स्टार्ट कहाँ क्या पे हुआ था, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अब इसमें क्या हुआ था, अच्छी HYB शीट्स को यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किया गया. अब अच्छी HYB शीट्स यूज होगी तो लोगों जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी ना साथ साथ. तो ये बताया हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन को इसमें स्टार्ट किया गया था. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट से बहुत सारे ऐसे पार्ट थे, ये सिर्फ स्टार्ट तो सिर्फ ये कुछ ही स्टेट में हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो रेवोल्यूशन था वो बढ़ता हुआ चला गया. अब इसके बाद एक और रेवोल्यूशन था जिसको आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए,
दैट इज वाइट रेवोल्यूशन. देखो वाइट रेवोल्यूशन जो था वो एक तरह से दूध से रिलेटेड था. गुजरात में जो था अमूल का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. अब जब गुजरात में जब अमूल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा तो उसके बाद धीरे धीरे जो जो अदर जो स्टेट्स थे उन्होंने भी जो दूध था एक तरह से उनको काम मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो इसकी प्रोडक्शन के बढ़ गए. ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था इसको, और ये आपको याद रखना है आपका वाइट रिवॉल्यूशन. ठीक है, एक इसमें एक ये इंपॉर्टेंट था वाइट रिवॉल्यूशन. हाँ, एक ये आपको नाम याद रखना है, जो जो ये वाइट रिवॉल्यूशन था ये किसने किया था? बिर्गीज ने किया था. ठीक है, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन याद रखना है. तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में फ्लड रिवॉल्यूशन का चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन एक ही बात है. और ये किसने स्टार्ट किया था और बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ था? ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था और अमूल मिल्क के बाद स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है. अब इसके बाद था लेटर डेवलपमेंट, यानी उसके बाद भी कौन कौन से डेवलपमेंट हुए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. नेहरू के डेथ के बाद जो कांग्रेस ने वो काफी डिफिकल्टीज आ गई थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी उस टाइम पे टैकल करने में. तो उस टाइम पे जब इंदिरा पॉपुलर लीडर जो थी वो इंदिरा गांधी थी, एंड शी डिसाइडेड द फ्यूचर स्ट्रेंथ. उसने फर्दर स्ट्रेंथ बनाने के लिए द रोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी. उसने कहा कि अगर हम लोगों को इकोनॉमी अपनी आगे बढ़ानी है, काम अपना आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.